हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ विड्रॉल के बारे में, जो कि फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के बारे में। जी हां गाइस, अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते थे एंड आपका रिजाइन कंप्लीट हो चुका है और उसके 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अपने पीएफ का पूरा पैसा, जो कि आपका कटा था, आपकी कंपनी का कटा था, साथ में पेंशन का कटा था, तीनों चीज़ों का पैसा जो है आपको मिल जाएगा इस फॉर्म भरने से। तो गाइस, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल का फुल एंड फाइनल का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को एक्सप्लोर करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म भरना आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, पीएफ विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के अंदर पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं UAN लॉगिन। ठीक है गाइस, जैसे आप सर्च करेंगे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका पासवर्ड और आपका कैप्चा कोड। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, किस तरीके से रीसेट करना होगा उस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के एंड में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर हमने यूएन नंबर फिल कर दिया और यहाँ पर जो है हम रजिस्टर अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। पासवर्ड फिल करने का जो कैप्चा कोड देख रहे हैं गाइस, वो फिल कर देना है, और कैप्चा कोड समझ में नहीं आए तो एरो के निशान से हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम जो है कैप्चा कोड फिल कर लेंगे और साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद गाइज, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, उस पर OTP चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा, वो फिल कर देना है, कैप्चा कोड चेंज भी कर सकते हैं। OTP आईडी आपके सामने लिखा हुआ जैसे 4248, तो ये OTP नहीं है, आपका OTP अलग होगा जब आपके फोन में मैसेज के थ्रू आया है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फिर OTP और वन टाइम पासवर्ड को फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही गाइज वैसे तो लॉग इन हो जाता है, लेकिन बाई चांस आपने काफी दिन से लॉगिन नहीं करा होगा तो इस तरीके का पेज भी आ जाएगा, जिसमें कि आपको पुराना पासवर्ड जिससे आपने अभी लॉगिन करा है, ठीक है, उसके बाद नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पर अब हमें पासवर्ड चेंज करते रहना है। पासवर्ड का सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप नया पासवर्ड बना के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट आधार OTP पे क्लिक करके OTP को जो है यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा उसे सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आधार OTP डाल रहा है और OTP डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, और अगर आपका आधार पासवर्ड नया ही बना होगा ना गाइस, तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ जिसका इस तरीके का ऑप्शन है, और जिसका लॉगिन डायरेक्ट हो जाएगा तो वो तो डायरेक्ट ही लॉगिन कर लेगा। ठीक है गाइस, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपका नया पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके क्लिक हेयर टू लॉगिन, यानी कि दोबारा से आपने वही फॉलो अप करना है, आईडी पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का साइन इन करने के बाद डायरेक्ट जो पेज खुलेगा उसको जो है ना, हम वहाँ पे होम पेज पर आ जाएंगे OTP डाल के। ठीक है, फटाफट से मैं इस तरीके से आपको सामने ही फिल करके दिखा दे रहा हूँ, फटाफट से ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर हमें OTP मांगेगा, OTP डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना, अब जो है गाइज यहाँ पर ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। पहले नहीं हुआ था क्योंकि पहले इसमें पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन आ गया था, तो मैंने आपको पासवर्ड अपडेट करके भी दिखा दिया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो है वन टाइम OTP पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया और सबमिट कर देना, और जिनका अपडेट का ऑप्शन नहीं है वो डायरेक्ट इस तरीके से लॉगिन होंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपने सबमिट कर देना, जैसे आप सबमिट करेंगे होम पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और क्लेम सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लेम फॉर्म 31-19-10C और 10D, इस वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहीं पर जब आप फॉर्म भर दोगे 10-15 दिन बाद स्टेटस चेक करना चाहोगे तो ट्रैक क्लेम स्टेटस दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप क्लेम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। राइट साइड में आपका प्रोफाइल शो हो रहा है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्लेम पे क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लेम पे क्लिक करते हैं होम पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पर आपसे आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है जो कि आपका रजिस्टर्ड है, और नीचे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डली हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डली हुई है, डेट ऑफ एग्जिट डली हुई है, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं मेंबर आईडी के बगल में, और सजेशन शॉर्ट सर्विसेज लिखा हुआ है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो आप फुल एंड फाइनल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म नंबर 31 ही भर पाएंगे, यानी कि एडवांस वाला। तो अगर आपने रिजाइन कर दिया और 60 दिन पूरे हो चुके हैं तो डेट ऑफ एग्जिट आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको रिजाइन डेट याद है तो मार्क
डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, जिसका लिंक जिस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करें, जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पर फिलहाल करंट में आपको जो बैंक अकाउंट जो लिंक है आपके पीएफ अकाउंट से वो वाला यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई कर देना है, और इसमें कोई गलती का चांस नहीं है, जो लिंक है वही यहाँ पर वेरीफाई होगा। अगर आप अकाउंट से दूसरा अकाउंट डालेंगे तो यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और ये देख सकते हो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों है। ठीक है, उसके यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर वेरीफाई करके यस पे क्लिक कर देना, यस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना, जहां पर हमें एक छोटा सा फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहला हमें यहाँ पर ऑप्शन है ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19 और ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल फॉर्म नंबर 10C। ठीक है गाइस, ये तो हमें जो है फुल एंड फाइनल जब सेटलमेंट करते हैं तो ये दोनों भरने हैं, और अगर आपने कंपनी छोड़ी नहीं है तो पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 भरना होता है, जिसमें आपका खुद का कटा हुआ पैसा ही सिर्फ निकलता है। ठीक है, तो अभी हम जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम 19 फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और उसके बाद 10C भरेंगे, और यहाँ पर नीचे जो और एक्स्ट्रा है तो हम पहले अभी 19 भर ले रहे हैं, फुल एंड फाइनल वाला फॉर्म भरा जा रहा है हमारे पास। ठीक है गाइज, उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे फॉर्म नंबर 15G मांग रहे, तो 15G को जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं 15GBOI PDF, ये ओपन हो जाएगा, इसका लिंक मैं कॉपी करके दे दूंगा। 2 पेज का है, यहाँ पर आपको नाम फिल और भरना कैसे, सिंपली नाम, पैन कार्ड का नंबर, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और पूरा कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड तक, ठीक है, ईमेल आईडी डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, स्टेट वगैरह भर देना, और नीचे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट देख रहे हैं आप वहाँ फिल कर देना है, IV में अपना नाम डाल देना है और सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट फिर से कर देना है, और प्लेस और डेट को फिल कर देना है। दूसरा पेज ये वाला है, इसके अंदर आपको जो है उसी तरीके से नाम, कंप्लीट एड्रेस और UID नंबर, ऊपर पैन कार्ड नंबर डालना था, सेकंड वाले में आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, प्लेस और डेट में अपना डिटेल डाल देना है और सिग्नेचर वाले ऑप्शन में सिग्नेचर करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है, फ्रंट बैक स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके PDF बना लेना, और PDF का जो फाइल साइज है वो 1 MB से कम का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है गाइस आपको पूरा एम्प्लॉय एड्रेस में आपका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, आपका राज्य सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका एड्रेस है वो सेलेक्ट कर लेना है गाइस। ठीक है, और अगर आपका एड्रेस आपको नहीं पता तो आप व्यू में जाके, आप प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं कि आपने पेंशन PF के अकाउंट में कौन सा एड्रेस अपडेट कर रखा है, तो उस हिसाब से आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आपका एरिया का पिन कोड डालना है, कंप्लीट एड्रेस होने के बाद फिर चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर चेक अपलोड कर देना है, या फिर आप पासबुक अपलोड कर सकते हैं जिसका फाइल साइज 100 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम का होना चाहिए। एक बार अपलोड करने का टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। और गाइस एक चीज़ और, यहाँ पर व्यू जो दिख रहा है, व्यू करके आप एक बार देख भी ले कि आपने जो अपलोड करा वही है या फिर कोई दूसरी इमेज तो अपलोड नहीं कर दी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने व्यू नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था मेरे डेस्कटॉप पे एक ही फाइल थी, अगर आपके काफ़ी सारी फाइल है तो आप एक बार व्यू करके ज़रूर देख लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, आपको सिंपली OTP पे फिल कर देना है, वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म कर देना है, जिससे कि आपका आधा फॉर्म भर गया और आधा दोबारा भरेंगे, यानी कि मेन फॉर्म भर गया जिसमें कि आपका पैसा कटा था और कंपनी का पैसा कटा था, तो ये वाला EPF फॉर्म नंबर 19 का काम हो चुका है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होने के बाद आपके सामने एक PDF जनरेट हो जाएगा जिसमें कि आपके रिसिप्ट और आपका जो भी आपने पासबुक या चेक अपलोड कराएगा उसकी इमेज होगी, इसको आप PDF में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं आगे ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक हेयर कर देना है और इसका प्रिंट आउट या फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। हम जो है फर्स्ट पेज प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोबारा से हमें क्लेम करना है क्योंकि फॉर्म नंबर 19 तो भर गया, क्लेम पे जाना है, क्लेम फॉर्म पे जाना है और यहाँ पर फिर से वही अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई करके यस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म क्लेम करना है, फिर यहाँ से फॉर्म नंबर 10C सेलेक्ट कर लेना पेंशन वाला, फिर उसी तरीके से पूरा कंप्लीट एड्रेस भर देना। अब यहाँ पर 15G फॉर्म हमें नहीं भरना होगा, ठीक है, एक ही बार अपलोड करना होता है, वो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से भरना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ से पूरा आपका कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेना, जो भी आपका राज्य है, जो भी आपका स्टेट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम और डेट पिन कोड डाल देना है। ठीक है,
फिर उसी तरीके से चूज फाइल पे क्लिक करके आपको पासबुक या फिर चेकबुक अपलोड कर देनी है। फाइल का साइज 100 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम का होना चाहिए। JPG या फिर JPEG सिर्फ दो ही फॉर्मेट होगा तो चलेगा, PDF में नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर चेक जो है अपलोड कर देना है। अपलोड करने का व्यू करके एक बार चेक कर लेना, फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके गया था आधार OTP और यहाँ पर आधार कार्ड का OTP फिल कर देना है। फिल करने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपका फॉर्म नंबर 10C भी सबमिट हो जाएगा। फिर इसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। थोड़ा सा ब्राउज होने के बाद क्लिक हेयर फॉर PDF डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है कि आपका आधार कार्ड का OTP जो है वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपने दोबारा OTP वेरीफाई कर देना या थोड़ा सा वेट कर लेना, नहीं तो रीसेंड OTP करके आप OTP को वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर जब OTP वेरीफाई हो जाएगा, क्लेम सबमिट हो जाएगा, क्लिक हेयर और प्रिंट आउट इसका ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसे सेव करके रख लेना है, या फिर इसको PDF में सेव कर लेना या फिर प्रिंट आउट संभाल के रख लेना। और ट्रैक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, दो बार में आपकी पेमेंट आ जाएगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो गाइस इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर लो। एंड अगर कोई कंफ्यूजन आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।